दोस्तों, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि लंग कैंसर का कारण स्मोकिंग होता है, जो कि सही भी है। लेकिन वे लोग जो स्मोकिंग नहीं करते, उन्हें भी लंग कैंसर कैसे हो जाता है? एक्चुअली, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन पहले ये जान लें कि लंग कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसके इलाज में ज़बरदस्त खर्चा होता है। इसलिए इन बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लंग कैंसर का सबसे पहला कारण है एस्बेस्टोस फाइबर। एस्बेस्टोस फाइबर एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरों और दुकानों की छतों में किया जाता है। इस फाइबर के केमिकल्स सांस लेते वक्त फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और लंग कैंसर का कारण बनते हैं। वहीं अगर आप ऐसे कारखानों में काम करते हो जहाँ कोयला हो, ऑर्सेनिक या न्यूज़पेपर प्रिंटिंग होती हो, तब भी आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि ऐसे कारखानों में राख बहुत ज़्यादा होती है जो सांस लेते वक्त फेफड़ों में जमा हो जाती है और कैंसर रोग को जन्म देती है। इसके अलावा वे लोग जो फाइब्रोसिस की समस्या से जूझ रहे हैं, उनमें लंग कैंसर की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ फाइब्रोसिस ही नहीं, बल्कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से परेशान लोग भी लंग कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। तो आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। लंग कैंसर का लास्ट कारण है जेनेटिक। जी हाँ, अगर आपके पापा या मम्मी को पहले कभी लंग कैंसर की समस्या रही है, तो उनके थ्रू आप में भी लंग कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस भ्रम में हैं कि सिर्फ स्मोकिंग से ही लंग कैंसर होता है, तो सावधान हो जाएं और अपनी सोच को बदल लें। साथ ही आप अपने आसपास और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल जरूर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।